किसान यूनियन जिंदाबाद, 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 किसान यूनियन जिंदाबाद। चैनल देखते हुए सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़ा अपना रिपोर्टर सवरणजीत सिंह। जिदा कि किसानी संघर्ष में चलते हैं बहुत समा हो गया है, उस नाल नाल ही अगर देखा जाए 2022 दे विच जिहड़ा कि चोणां भी आ रही ने, सो किसानां दे विच जिहड़ा कि एक तो जिदा किसानी केंद्र सरकार वालों खेती काले कानून बिल जिहड़े पास किए उन्हें रद्द करवाउण दे लई संघर्ष जिहड़ा पूरे जोरां ते चल रहा है। और असीं अज पिंड कनेच दे विच मौजूद हाँ, जिथे किसान मजदूर भरावां वालों जिहड़ा कि पार्टीबाजियां नूं जिदा कि चोणां नूं मुख रखते हुए उन्हां दा विरोध किया जा रहा है। सो पूरा मामला है कि आपां गलबात करांगे इत्थों दे प्रधान दे नाल, उन्हां नाल पुछांगे कि मामला है की है। हाँ सर, की कहना चाहोगे जिहड़ा तुसीं मतलब विरोध कर रहे हो? असीं भीर जी विरोध इस करके कर रहे हैं, जिहड़ा अपना किसानी संघर्ष चल रहा पिछले 8 महीनों तो, पहला पंजाब च सीगा ते हुण दिल्ली दीआं बरूहां ते असीं बैठे हाँ। मच्छर दे विच मींह दे विच साडे किसान भीर उत्थे बैठे आ, साडे पिंडों भी जांदे आ जिथे, उस दे संबंध विच असीं कहना चाहुंदे आ भी जिन्नियां भी राजसी पार्टियां ने, कोई आप वाला, कोई अकाली दल वाला, कोई कांग्रेस वाला, कोई भी पार्टी नाल संबंध रखदा, जिन्ना चिर साडा किसानी संघर्ष चलदा इस मसले का कोई हल नहीं हुंदा। कोई भी लीडर साडे पिंड विच कनेच विखे ना आवे, जेकर कोई आऊगा तां उसदा कालियां झंडियां दिखा के उहदा विरोध कीता जाऊगा, नारे लाए जाएंगे, तो फिर जो वो शान के खिलाफ कोई गलबात होगी वो आपका आप जिम्मेवार हो। जेकर साडे पिंड का कोई भी बंदा जिहड़ा किसी भी पार्टी का संबंध रखता किसी लीडर वह बुलाउंदा तां उहदा भी लीडर तो पहला उस बंदे का विरोध किया जाऊगा जिहड़ा पिंड तो बाहर होकर किसी लीडर पिंड दे विच बुलाऊगा। अगर आप गल करिए पिंड दे विच पंच सरपंच होंदे ने, वह भी मतलब कांग्रेस नाल मतलब रिलेटड रखते हैं, की कहना चाहोगे उन्होंने बारे भी कि मतलब वह भी इस विरोध दे नाल तुहाडे नाल तुरनगे? जिहड़े पंच सरपंच साडे नाल ने तकरीबन इत्थे आए नहीं, तुहानू पता ही है जिहड़ा मौके का टाइम हुंदा, जिहड़ा पंचां सरपंचां नूं सारे पहला बेनती कर चुके हैं किसान यूनियन वालों भी मौके की सरकार आ, चलो ठीक है सानू काम है अपने कराओ, पर जिन्ना चिर अपना किसानी संघर्ष चलता कोई भी पंच सरपंच आ पिंड तो उभरे कोई बड़ा नहीं है। पिंड के मूहरे किसान जे अपनी जमीन आ रही जी अपनी माँ वा तो फिर आप करा माँ इन्ह माँ के अखा जड़िया पार्टियां है, ये सारिया पार्टियां एको जी ने, कोई इन्होंने घट वध नहीं है। इस करके सा फिर पुरजोर सारिया पार्टियां बेनती है, पंचा सरपंचों भी बेनती है भी किसी लीडर इतने बुलायो ना, जिन्ना चिर अपने किसानी संघर्ष का कोई फैसला नहीं हुंदा उन्ना चिर कोई भी लीडर वोटां दे संबंध विच किसे संबंध दे विच साडे पिंड दे विच ना आवे। और किसानी संघर्ष नूं भी चलदे तकरीबन 8 महीना हो गया वा, तुसीं की अपील करोगे उन्हां नूं, की सुनेहा देना चाहोगे जिहड़े किसान भरा साडे उत्थे बॉर्डर ते बैठे ने? ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 5-600 ਕੁ ਛਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਤ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਕਣੇਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਜੀ। ਔਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਗੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੱਦੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੂਗੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਕੋਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ,
जो किसान भरावों को जमीन खुस जाएगी तो उन्होंने को कुछ नहीं रह जाएगा तो वह कला किसान भरावों नुकसान नहीं होएगा होर जे आम जनतक लोग ने जोड़े नहीं भी इस चीज़ घराने जे खेतीबाड़ी नहीं जुड़े हुए उन्होंने बहुत बड़ा इस चीज़ का नुकसान है। बेशक अज लोग कुछ हद तक नहीं भी साथ दे रहे कुछ गलत भी बोल रहे ने नहीं साथ दे रहे पर यह आने वाले समय में इस चीज़ का पता लगेगा। जिमें वीर जी ने साडे बड़ा सोहना दस्या कि यह सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है कोपरेट घराने की एक सरकार है जिमें वे घराने अडानी हो गए अंबानी हो गए मोदी हो गया इन्होंने अपनी सरकार बनाई हुई है वो किसी भी गरीब की ज किसी होर की कोई नहीं सुन रहे हो अपनी मर्जी के मालिक ने। देखो प्रधानमंत्री का अहुदा होंगे प्रधानमंत्री के अगर कोई लैके गया किसी चीज़ को तो उन्होंने सुनना चाहिए कि इन्नी इन्नी दुनिया इन्ने लोग मैनू कुछ कहना चाह रहे ने मैं उनकी गल सुना पर हजे तक नहीं सुनिया जा रहा। 8-9 महीने तो साढ़े किसान भरा लगभग 400-500 शहीद भी हो चुके ने साढ़े किसान भरा पर उत्थे उन्होंने गलते किसी भी कोई मतलब कि असर नहीं हो रहा। इस करके असी अज तो कल भी साढ़े पिंड होया सी असी कल भी रोस किया कोई भी बैनर जां किसी भी पार्टी का बैनर किसी भी पार्टी का बैनर साढ़े पिंड नगर कनेच विच नहीं लगेगा तो उहदे विरोध सिर्फ इस संबंध का है भी असी किसी भी पार्टी का जां किसी बंदे का विरोध नहीं कर रहे असी जो भी किसानों के जो विरोधी बिल चल रहे हैं भी इन्हों माफ़ करने वास्ते ना तो साढ़े किसी MLA ने उत तक पहुँच की है क्योंकि देखो MLA बनाने का मकसद की होंगे कि असी सारे रल के नगर के इलाके के बंद ने रल के एक बंदा चुन लिया भी लो जी तुसी साड़ी पहुँच उत तक करनी है पर साढ़े MLA तो बिल्कुल अपने अंदर बैठे ने टोर नाल उन्होंने कोई फिक्र नहीं साढ़े किसान भरा मर रहे हैं साढ़े किसान भरा उत्थे अंदोलन के शहीद हो रहे हैं उन्होंने कोई फिक्र नहीं है असी उन्होंने जगाने वास्ते ही ये कुछ कर रहे हैं कि भाई साढ़े पिंड कोई भी राजनीतिक पार्टी जिन्ना चिर किसान वीर का संघर्ष चलता है कोई भी किसी भी पार्टी ने चाहे वह अकाली ने चाहे वह कांग्रेस के हो चाहे आप तो ने चाहे किसी होर आजाद कोई खड़ा है चाहे कोई भी वोटों के संबंध में नहीं आएगा क्योंकि कई बार देखो उदा भी कोई आ जाता है साढ़े पिंड किसी खुशी गमी पर आया किसी ना कोई रिश्तेदारी कोई भैन भरा साख असं इदा नहीं विरोध करा पर जे कोई वोट मंगन आएगा ज कोई बैनर ला के ज कोई स्पीच करेगा पिंड असं विरोध करा विरोध का वह आप खुद जिम्मेवार होएगा जो कोई नुकसान हो गी का नुकसान नौजवान कर देने क्योंकि अज के समाज में तुम्हें पता है नौजवान बहुत ज्यादा भड़के हुए इस चीज़ तो कल वो गड्डी का नुकसान होंगे कोई वह कोई नुकसान होंगे वह आप जिम्मेवार होएगा साढ़े पिंड जिन्ना चिर एक किसानी अंदोलन चलता है वो तो मगरों जिमें मर्जी कोई भी जो साडा जित होएगी साड़ी तो असी किसी भी अपनी मर्जी नाल साढ़े नगर की वोट प्रणाली है जो वो आधार असी जिसनों मर्जी अपना कर सकते हैं। बाकी साड़ी अपील यही है सरकार नू कि साढ़े जो किसान भरा बैठे ने जो साढ़े MLA ने जिहड़े भी साढ़े सुन रहे हैं साड़ियां बेनतियां सुन रहे हैं उन्होंने यही अपील है भी तुसीं अगे लगे हुए हो तो तुसीं इस अंदोलन की जिहड़ी गल है वह उपर तक पहुँचाओ तो कि जिहड़े किसान भरा बैठे ने बेचारे खज्जल ना होण काफ़ी चिर तो भुखे ते आए उत्थे बैठे ने मावां बैठियां ने साड़ियां बच्चियां बैठिया ने साड़ियां भैन बैठिया ने भी वह खजल खुआर ना हो इस करके असी यही साढ़े नगर के यही रोस है भी असी किसी भी पार्टी को भी इतने आने का कोई आग्ञा नहीं दी जाएगी। नौजवान किसान एकता नौजवान किसान एकता की दुखी चक देंगे की दुखी चक देंगे की दुखी चक देंगे।